चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी खाना। आज हम नरम मज़ेदार सा फ्राइड चिकन बिरयानी, और ये बहुत आसान बहुत जल्दी बनने वाली बिरयानी है। और इसमें मेरे पास चिकन का गोश्त है बोनलेस, और ये सब बड़ी बोटियाँ इसकी कटवाई हुई हैं, और ये सारा जो मेरे पास गोश्त है ये ब्रेस्ट पीस का है। और अब मैं इसमें एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसमें ऐड करूँगा, और मसाले ऐड करूँगा। पहले मैं चिकन की मैरिनेशन तैयार करूँगा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, नमक हमने इसमें थोड़ा सा कम ही रखना है क्योंकि ये फ्राई करेंगे चिकन हम, और बाकी मसाला हमारा बिरयानी में भी तैयार होगा। आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी ही चाय की चम्मच हमारे पास ये आ जाएगा सूखा धनिया। और अब मैं इसमें ऐड करूंगा लेमन जूस, लेमन जूस ये मेरे पास ये मैंने लिया है, चार लेमन्स को मैंने जूस निकाला है, तकरीबन ये दो टेबल स्पून के करीब है, ये मैं इसमें ऐड करूंगा। और अब मैं इसको मिक्स करूंगा, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन एक घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगा। एक चीज मैं इसमें ऐड करना भूल गया, वो था पेपरिका पाउडर, वो आप इसमें हाफ टी स्पून के करीब ऐड कर सकते हैं, इससे जो चिकन का कलर बहुत प्यारा आएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसको एक घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगा, उसके बाद मैं इसको फ्राइंग प्रोसेस में लेके जाऊंगा। अब मैंने एक कप ऑयल का भर के मैंने कढ़ाई में डाला है, और अब मैं इसमें एक पिंच जो है नमक की ऐड करूंगा ताकि जब मैं चिकन फ्राई करूं चिकन जो है साथ चिपक ना जाए, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगा। और दूसरी तरफ मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया है, और वो मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि उसमें मैंने नमक हल्दी एक जो टेबल स्पून जो है ऑयल का, और दो टेबलस्पून जो मैंने इसमें डाले हैं सिरके के, ताकि चावल जो बेहतरीन किस्म के बॉयल हो जाएं और आपस में चिपके ना। ऑयल गर्म हो चुका है और जो चिकन मैरिनेट किया था वो मैं इसमें एक एक पीस करके डालूंगा। मैं फुल कुक करूंगा जब चिकन थोड़ा सा अच्छा हो जाए, अब मैं इसको ऐसे फ्राई कर लूंगा। तो देखिए नमक डाला था इस वजह से चिकन आपस में चिपक नहीं रहा, वरना आप ऐसे डाले तो चिकन सारा चिपक जाता है। देखें इस तरीके से
चिकन जो है वो फ्राई होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए मजीद फ्राई करूँगा, उसके बाद सारा चिकन जो है इसको मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। चिकन ये जो है ये बैच हो गई है, बेकिंग के साथ फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल दूंगा बॉइल। ये देखें अब मैं इसमें सेकंड बैच ऐड करूंगा, सेम उसी तरह ही एक चक्की डालूंगा मैं इसमें। मैं वैसे ही कुछ देर इसको फ्राई करने के लिए छोड़ूंगा, जब ये चिकन थोड़ा सा कलर चेंज करेगा उसके बाद मैं चिकन को चम्मच से हलाऊंगा, पहले ही हलाऊंगा। ये देखिए चिकन हमने कलर चेंज कर चुके हैं, और आराम से ये देखें आप कलर देखें आप चिकन का। माशाल्लाह जबरदस्त। अब इसको भी मैं सेम उसी तरह फ्राई कर लूंगा, उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस करता हूँ। चिकन फ्राई हो चुका है सारा, मैं निकाल लिया है। अब मैं इसी ऑयल के अंदर दो टमाटर जो मेरे पास मैरिनेशन बच गई थी उसे मैंने मिक्स करके इसमें मैंने डाल दिया। इसको मैं फ्राई करूंगा टमाटरों को। जितनी देर में टमाटर जो है वो फ्राई होते हैं तब तक मैं जो मसाला है उसको लाइनअप कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, बस ये आपने याद रखना है कि चिकन में भी आपने नमक ऐड किया हुआ है। हरी मिर्च आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, सूखा धनिया आधी चाय का चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, और काली मिर्चें ये भी आधी चाय का चम्मच। उसके बाद बिरयानी मसाला या किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इसको मिक्स करें। उसके बाद एक टेबल स्पून के करीब इसमें टिक्का मसाला, ये
ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो अब मैं इसमें एक टेबलस्पून के करीब पेपरिका पाउडर ये ऐड करूंगा। और एंड में मैं दही ऐड करूंगा 2 सर्विंग स्पून। तो इसको मैं इस तरीके से मिक्स करूंगा। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे पकाऊंगा। कुछ देर फ्राई करने के बाद मैं इसमें अजवाइन डालूंगा 1 टीस्पून के करीब और सौंफ ये आधी चाय का चम्मच, इनको मिक्स करूंगा। और जो चिकन मैंने शुरू में फ्राई किया था, इसको जो चिकन फ्राई किया था ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। उसको मैं मिक्स करूंगा और उसको मैं तब तक पकाऊंगा जब तक जो दही का पानी और टमाटर का पानी है अच्छे से जो क्या कहते हैं उसको पानी ख़त्म ना हो जाए। इसमें सिर्फ आपके पास ऑयल और आपका जो मसाला है वही बाकी रहे। मेक श्योर आपने जलाना नहीं है मसाले को। जो चिकन का जो कौरमा है बेहतरीन किस्म का रेडी हो चुका है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, मसाला बेहतरीन किस्म का रेडी हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम कर दूंगा ऑफ और तब तक मेरे चावल बॉयल हो जाएंगे। फिर मैं इसकी जो लेयर्स है वो लगा के आपको मैं फिर इसका दम बताऊंगा। फ्लेम दोबारा मैंने ऑन कर दी है, तो देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है, जो चिकन कौरमा बेहतरीन किस्म का जो है वो रेडी हो चुका है। दिल तो कह रहा है कि इसको अभी रोगनी नान के साथ खा लूं, मगर मैंने बिरयानी बनानी है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगा। चावल मेरे पास भी 1/2 किलो ही है, जितना चिकन है उतना ही चावल है मेरे पास। ये सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए जो बास्केट में लगे हुए। तो मैं चावलों को मैं थोड़ा पीछे की तरफ करूंगा। और अब मैं 1 पिंच हरा धनिया सूखा ये मैं इसके ऊपर ऐसे डालूंगा और 1 ही पिंच गरम मसाले की। और अब मैं 1 प्याज लूंगा छोटा और उसका मैं बघार बनाऊंगा, प्याज ब्राउन करके वो इसके ऊपर बघार लगाऊंगा प्याजों का। बघार रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें इस तरीके से मेरे हाथ में नाइफ है तो मैं नाइफ की मदद से थोड़े मैं चावलों को स्प्रेड कर रहा हूँ प्याजों को ताकि इसका फ्लेवर हर जगह आ जाए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम दूंगा चावलों को, उसके बाद अपन देख सकते हैं। जी 10 मिनट के बाद मैंने चावलों का दम खोल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐसे ऊपर स्प्रिंकल करूंगा और अब चावलों को करूंगा मिक्स। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल बाजार वाली बिरयानी।
अब मैं आपको अपने चावल सर्व कर देता हूँ। जी मज़ेदार से फ्राइड चिकन बिरयानी मेरी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना, अपने घर लोगों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और इसको मैं बिरयानी को इस रायते के साथ सर्व कर रहा हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।